वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शोमी और आज मैं आप लोगों के साथ एक DIY शेयर करने वाली हूँ। आप लोग शायद जानते ही होंगे कि मुझे इंडोर प्लांट रखना बहुत अच्छा लगता है और मैं जब इंडिया में थी तो मेरे घर पे मैं बहुत सारा इंडोर प्लांट किया था और बैल्कनी में बहुत सारा सीजनल जो फ्लावर होता है वो सारा कुछ मैंने किया था खुद से। मुझे ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली एक छोटा सा पौधा उसको आप पानी दे के कुछ करके उसको बड़ा कर रहे हो तो उसमें एक अलग मज़ा होता है, तो इसीलिए ये सारा कुछ मुझे अच्छा लगता है। बट इधर आने के बाद वो जो मेरा शौक़ था वो थोड़ा सा मैं साइड में रख दिया क्योंकि इधर उतना ज़्यादा प्रोविजन नहीं है, क्योंकि इधर मेरा कोई भी रिलेटिव है नहीं। जब भी मैं इंडिया जाऊँ या तो कोई बाहर घूमने के लिए जा रही हूँ तो मैं किधर दे के जाऊँ, तो इसीलिए मैं उतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। बट फिर भी अगर आपके पास वो शौक़ है तो उसको आप ज़्यादा देर तक इधर पास में रख नहीं सकते हो। तो क्या हुआ कि मैं ऑलरेडी मेरे घर पे बहुत सारे इंडोर प्लांट मैं लेके आ गई हूँ और पता नहीं जब मैं इंडिया जाऊँगी या तो कहीं बाहर जा रही हूँ तो कहाँ मैं वो सारा कुछ देखे जाऊँ। और ये चीज़ को मैं मानती हूँ कि अगर आपके पास कोई शौक़ हो उसके लिए कोई ना कोई जुगाड़ ज़रूर हो जाता है, तो इसीलिए इसको सोच के मैं सारा कुछ प्लांट लेके आ जाती हूँ। तो जो पॉइंट है वो है कि मैं लास्ट डे गई थी बाज़ार करने और उधर मुझे एक अच्छा सा फ्लावर का प्लांट दिखा और मैं कुछ सोचे बगैर वो उठा के लाई हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लग गया था। और क्या है कि वो उसका जो आने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो इंडोर प्लांट है लेकिन उसका जो पॉट है वो उतना देखने में उतना सुंदर है नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक DIY करते हैं जिसके लिए वो पॉट को मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी और वो पॉट के अंदर मैं प्लांट को रखूँगी तो वो प्लांट देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो वो पॉट को मैं कैसे करके डेकोरेट करूँगी वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मेरा जो छोटा सा पौधा है उसको भी मैं दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस DIY के लिए क्या क्या चाहिए ये पहले देख लेते हैं। तो इस DIY के लिए मुझे चाहिए ऐसे वाला एक ग्लू गन और चाहिए कलर। आज मैं ऐसे ग्रीनिश कलर यूज़ करूंगी, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। और मुझे चाहिए ऐसे एक ब्रश और मैं थोड़ा सा पॉम्पम ली हूँ, ये आप हैंडमेड पॉम्पम भी यूज़ कर सकते हो या तो आप बाज़ार से खरीद के भी ला सकते हो। और ऑब्वियस जिसके ऊपर मैं ये DIY करूँगी वो है ये टॉप, ये प्लास्टिक का टॉप है तो इसके ऊपर मैं करूँगी DIY। तो देखते हैं कैसे करके करते हैं इसको। Thank you.
आपने देख ही लिया है कि मैं कैसे करके ग्लू गन के साथ इधर ऐसे रैंडमली एक डिज़ाइन बना लिया है। आप आपके हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अभी दिमाग में जो आया मैं वही इधर ड्रॉ कर लिया है। अभी मैं जो करूँगी वो है, इसको थोड़ा सा भी क्लीन करूँगी। ये देखिए थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो इसको अभी मैं एकदम क्लीन करूँगी। तो चलिए इसको पहले कर लेते हैं। तो ये अभी बिल्कुल सूख गया है, मतलब ये एकदम ड्राई हो गया है। उसके बाद ही मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा जो पार्ट इधर से ऐसे निकल के आया है उसको मैं अभी रिमूव कर रही हूँ। टॉप को पूरा क्लीन कर चुकी हूँ और ये टॉप कुछ अभी इस तरह का दिख रहा है। अच्छा लग रहा है ना? तो इसके ऊपर अभी मैं जब पेंट करूंगी वो ये और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए इसके ऊपर अभी पेंट करते हैं। ड्राई हो गया है। अभी मैं इस पर ऐड करूँगी पॉम्पम। अगर आपके पास पॉम्पम नहीं है और आपको पसंद नहीं है पॉम्पम यूज़ करना तो मत यूज़ करना, ये एज इट इज़ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर जब मैं प्लांट लगाऊंगी तो और भी खूबसूरत लगेगा देखने में। तो मुझे अच्छा लगता है पॉम्पम यूज़ करना, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा सा कलरफुल और ज़्यादा लगता है। तो मैं पॉम्पम अभी यूज़ करूँगी इस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटू सा एक प्लांट, ये मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसका जो फ्लावर्स का कलर है ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो इसीलिए मैं लेके आई थी। तो अभी मैं ये तो मेरा रेडी हो गया है, अभी मैं इस पर इसको डाल दूंगी।
ये वाला DIY आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरा वीडियो आप देख सके। और मेरा नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।